नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट के बारे में, जिसका नाम है मेरेंटा प्लांट। इसको पेयर प्लांट भी बोलते हैं और इसको पीकॉक प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियां बिल्कुल पीकॉक के पंख की तरह होती हैं। तो बहुत ही सुंदर कलरफुल पत्तियाँ हैं इस प्लांट की और बहुत ही सुंदर ये प्लांट है। मुझे ये प्लांट बहुत सुंदर लगा था और मैंने इस प्लांट को ऑनलाइन मंगाया था लगभग 4-5 महीने पहले। वीडियो भी मैंने डाली थी। तो दोस्तों, इस प्लांट में 5 पत्तियाँ थी, छोटा सा प्लांट था बिल्कुल, जो ऑनलाइन आया था। दिखाया तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन छोटा सा प्लांट आया था। लेकिन ये प्लांट अभी काफ़ी बड़ा हो गया है और बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने इसको, जब इसकी ग्रोथ अच्छी हुई, तो मैंने इसको बड़े गमले में लगा दिया और अब ये प्लांट काफ़ी अच्छे से फैल गया है। तो आज मैं इसको कटिंग से भी लगाऊंगी। ये प्लांट दोस्तों इंडिया में लगभग 3-4 हज़ार 5-8 हज़ार तक है। काफ़ी महंगा प्लांट है, अमेज़न पर है ये प्लांट, आप देख सकते हैं। नर्सरी वगैरह में तो मैंने देखा नहीं है। तो इस प्लांट की भी, ऐसे प्लांट जो होते हैं उनकी जो कटिंग्स हैं वो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास रहें, क्योंकि इतना महंगा प्लांट है और बहुत ही सुंदर है। तो अभी ये बिल्कुल तैयार है कि हम इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही ईजी टू ग्रो है कटिंग से। जैसे मनी प्लांट में इस जगह जगह से जड़ें निकलती हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें निकलती हैं। और इतना खूबसूरत प्लांट है, अगर आपको ये कहीं भी दिख जाए ना, तो आप इसकी कटिंग ज़रूर ले लें। कटिंग से आप आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट के लिए दोस्तों, मिट्टी मैंने जो बनाई हुई है, कोकोपीट कंपोस्ट और थोड़ा सी मैंने इस पर लाइट डाली है। बहुत ही अच्छे से ये प्लांट चल रहा है। इसमें मिट्टी में पानी मैं तभी देती हूँ जब वो मिट्टी जो सूख जाती है, और ये ऐसी जगह पर रखा रहता है जहाँ इसको अच्छी लाइट मिलती है, आप देख सकते हैं। तो इस रूम में मेरे अच्छे से पूरे दिन बहुत अच्छी लाइट आती है, तो वहीं पर मेरे इंडोर प्लांट्स ज़्यादा रहते हैं, तो यहीं पर ये रहता है। तो अच्छी लाइट चाहिए इस प्लांट को, अच्छी लाइट में इसके जो कलर हैं पत्तियों के, वो बहुत अच्छे से आते हैं। अगर हम इसको अंधेरे सी जगह पर रख देंगे, तो इसकी जो पत्तियों के कलर हैं वो इतने अच्छी तरह से नहीं आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ बिल्कुल कलरफुल हैं, आगे से भी और पीछे से भी। पीछे से भी इसकी पत्तियाँ बिल्कुल मरहूम कलर की हैं, देखिए कितनी सुंदर लगती हैं, और आगे से तो इसमें कितने सारे कलर हैं। बहुत ही सुंदर पत्तियाँ हैं इस प्लांट की। और ये कि मैं से काफ़ी सारी जगह जगह से ब्रांच निकलती हैं, तो ये प्लांट काफ़ी घना और सुंदर हो जाता है। और पानी तभी दें इस प्लांट में, अगर आप इस प्लांट को लेते हैं, जब मिट्टी बिल्कुल 2 से 3 इंच तक सूख जाए। हमेशा इंडोर प्लांट्स कोई भी हो, उसमें मिट्टी जब 2-3 इंच सूख जाए, उसके बाद ही आपको पानी देना चाहिए, तो कभी भी वो प्लांट ख़राब नहीं होंगे। डेली आप स्प्रे कर दें पत्तियों पर तो बहुत अच्छा रहता है। सारे जो इंडोर प्लांट्स हैं, हो सके कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में रखें, ताकि नमी बनी रहे प्लांट्स के चारों तरफ। तो एक साथ कम से कम 4-5 प्लांट्स को आप रखेंगे पास पास, तो उससे नमी बनी रहती है और प्लांट्स बहुत ही हेल्दी रहते हैं और अच्छे से चलते हैं। तो यही मेरा रहता है दोस्तों, कि जब भी पानी देना है, हमेशा चेक करके देना है। मैंने इसको लगभग 1 हफ्ते से पानी नहीं दिया है, और मैं फिर भी ऐसे चेक कर लेती हूँ एक बार, और चेक करके देख लेते हैं। अगर उंगली पे ये मिट्टी चुपकी है, तो समझ लीजिए कि गीली है। अगर नहीं चुपक रही है, तो इसका मतलब पानी देना है। फर्टिलाइज़र इसमें महीने में एक बार बस मैं इसमें देती हूँ, या तो वर्मी कंपोस्ट ऐसे ही डाल देती हूँ, या फिर कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे देती हूँ, और कुछ भी नहीं मैंने इसमें डाला है। और स्प्रे मैं डेली करती हूँ पानी से पत्तियों पर। तो ये प्लांट कितना छोटा था दोस्तों, आप देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ छोटी सी क्लिप, आप चाहें तो वीडियो पूरा भी देख सकते हैं। तो छोटे से डब्बे में ये प्लांट आया था, और इसमें बिल्कुल 5 पत्तियाँ थी। देखिए, ये वाला जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्लांट है ये, और अभी इसकी ग्रोथ देखिए, इसमें 5-6 पत्तियाँ थी, छोटे से गमले में था, और अभी ये प्लांट पूरा अच्छे से फैल चुका है और बड़े गमले में मैंने इसको लगा लिया है। तो अब मैं इसकी कटिंग्स लूँगी। तो एक कटिंग मैं इसकी लूँगी, काफ़ी ब्रांच इसकी लंबी हो रही है चारों तरफ से, तो हम आराम से इसकी कटिंग अभी ले सकते हैं। तो नोड एरिया के पीछे से हम इसकी कटिंग को काटेंगे, ताकि 2 नोड एरिया हैं, आप चाहें तो एक से ही ले सकते हैं, एक से ही ग्रो हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसके पीछे ही देखिए रूट्स बन जाती हैं, देखिए हल्की हल्की सी तो अभी भी दिख रही हैं, और जैसे जैसे प्लांट अभी और बड़ा होता, तो ये इस पे ही प्लांट पे ही बननी शुरू हो जाती हैं इसकी जड़ें। तो बहुत ही ईजी ये आराम से कटिंग से चल जाता है। तो चाहे तो इसको मिट्टी में ऐसे ही लगा दें, तो भी ये ग्रो हो जाएगा आसानी से। लेकिन अगर हम इसको पानी में पहले ग्रो कर लेंगे, तो इसकी रूट्स अच्छे से बन जाएंगी और बहुत ही जल्दी हमारा प्लांट चलना शुरू हो जाएगा। तो पहले मैं इसको पानी में लगाऊंगी इसकी कटिंग को 4-5 दिन,
और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए इसकी रूट्स कितनी जल्दी बनती हैं। देखिए ये यहाँ से भी देखिए निकल रही है, अगर मैं यहाँ से भी इसको काटती तो ये यहाँ से भी ग्रो हो जाता। और किसी भी बोतल में आप छोटी सी में इसकी इस कटिंग को डाल दें, ये ऐसे पानी में लगी हुई काफ़ी सुंदर लगती है। और फिर नीचे की पत्ती को हटा देंगे और 4-5 दिन बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि 4-5 दिन में ही इसकी रूट्स कितनी आसानी से जल्दी से बन जाती हैं। तो दोस्तों देखिए आज 5 दिन हो गए हैं और ये प्लांट यही विंडो पर रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितनी रूट्स बन गई हैं 5 दिन में। तो देखिए 5 दिन में इसकी काफ़ी रूट्स बन गई हैं और 5 दिन होते ही कितने हैं आप देखिए, अलग दिख रही हैं। और अगर मैं इसको अभी 8-10 दिन रखूँ तो और लंबी हो जाएंगी इसकी रूट्स। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब ज़्यादा लंबी जड़ें हो जाती हैं उसको फिर हम मिट्टी में लगाते हैं तो कटिंग्स के कभी कभी ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसलिए छोटी जड़ें बनने पर ही अगर हम उसको मिट्टी में लगाएं तो वो बहुत जल्दी से चलती है। तो मैं अभी इसको लगा दूंगी मिट्टी में। मिट्टी के लिए मैंने वही कोकोपीट कंपोस्ट लिए हैं और छोटे छोटे से परलाइट हैं जो 10-20% मैंने इसमें दाने डाल दिए हैं ताकि अच्छा ड्रेनेज रहे, बढ़िया से प्लांट चले। और इसको बिल्कुल सीधा करके हम मिट्टी में लगा देंगे, ज़्यादा दबाएंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से सॉफ्टली इसको लगा देंगे। पानी भी बहुत आराम से देंगे क्योंकि अभी इसकी जड़ें जमी नहीं हैं। जब मिट्टी में जड़ें जम जाती हैं तो फिर तो प्लांट गिरने का डर नहीं रहता, तो हल्का सा पानी देंगे। और एक बार पानी लगाने के बाद दोबारा हमें पानी तभी देंगे इसमें जब मिट्टी इसकी सूख जाए, हल्का सा स्प्रे कर देंगे बस। पहली बार तो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मिट्टी सूखी हुई थी। तो 2 इसमें ब्रांच निकली हुई हैं, ये प्लांट जल्दी ही घना हो जाएगा। और जैसा प्लांट मैंने ये मंगाया था बिल्कुल उतना ही बड़ा मेरा दूसरा प्लांट अब तैयार होने वाला है। बिल्कुल इतना ही बड़ा था ये प्लांट जब मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था। और देखिए ड्रेनेज ऐसा होना चाहिए, चाहे कटिंग हो या फिर कोई भी आपका इंडोर प्लांट हो, इस तरह से एक एक बूंद पानी निकल जाएगा, आप देख सकते हैं। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अगर मिट्टी ऐसी बन जाए जिसमें एक बूंद भी पानी रुके ना, मिट्टी पूरी गीली हो चुकी है और जितना भी गीली होने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल चुका है और अभी तो निकलेगा। तो इस तरह से एक एक बूंद बिल्कुल पानी निकल जाना चाहिए, ड्रेनेज बहुत अच्छा रहेगा अगर प्लांट का, तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे, तो चाहे कटिंग्स हों या फिर प्लांट्स हों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये प्लांट ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं एक नए प्लांट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।